गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 26 सितंबर 2023। डॉलर इंडेक्स में काफी उछाल देखा गया। द रीजन बीइंग द डॉलर स्टूड बाय 10 मंथ हाईज अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज ऑन ट्यूजडे, सपोर्टेड बाय यूएस बॉन्ड यील्ड्स स्केलिंग 16 ईयर पीक्स, व्हाइल द येन टिपटोड डीपर इनटू द इंटरवेंशन डेंजर जोन। A combination of resilient economic data, hawkish Federal Reserve rhetoric, and a budget deficit to be financed by borrowing has the 10-year yield up more than 45 basis points in September to top 4.5% for the first time since 2007. Details chart देखने के लिए एक बार chart में चलते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी जो है 106.01, ये है आपका 10 महीने का हाई। हमारा जो रेजिस्टेंस था 105.50 से 105.75 का, उसको तोड़ फोड़ के ऊपर चला गया है। व्हाट नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि अभी काफी डेंजर है। बेसिकली अभी तो जस्ट क्लो ऊपर जा रहा है, वीकली क्लोज देना है, और ऐसा प्रतीत होता है इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो बहुत भयंकर एक डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। उसका पहला टारगेट हो सकता है आपका 107.50 से 108.00। इसमें काफी हिट आ सकता है, मींस ऑन अदर करेंसी पेयर्स। डॉलर रुपी जो क्लोज दिया है 83.11, ये जो रेंज है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर में ही कंटिन्यू करता है और इसको कंटिन्यू करने देते हैं जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, पॉसिबली ऑन द हायर साइड। ऊपर की तरफ जब तक इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रांगली होल्डिंग एंड डिफेंडिंग द लेवल, तब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। एक बार मीन्स इफ the invisible hands decide not to restrict dollar rupee in this area, which one at 83.30 to 83.40, then in such a case ek upward momentum hum expect kar sakte hain, lekin ye kab hoga wo depend kar raha hai invisible hands ke upar। gbp dollar mein bahut weakness abhi hai 1.2205, so sell upticks continues yahan pe abhi bhi, मीन्स जब तक ये रिवर्सल का सिग्नल नहीं आता है, अननेसेसरी बाई करके कटवा के कोई फायदा नहीं है। सो सेल ऑप्टिक्स इज स्टिल होल्डिंग गुड। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी अच्छा खासा वीकनेस देखा गया है। अभी ये जो जोन है, पहले का सपोर्ट जोन था 101.80 से 102.5150 लेवल्स, इस जोन पे अगर वापस आते हैं प्राइस एंड वहां पे नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो आपको सेलिंग के लिए अच्छा मौका मिल सकता है। यूरो डॉलर यहां पर भी वीकनेस बरकरार है, 1.0584 ये नीचे ही जा रहा है। दैट बीइंग द केस यहां पे एक पॉसिबल सपोर्ट जोन दिख रहा है, जहां से एक्चुअली प्राइस अप मूव हुआ था, वो है आपका 105 से 105.50। क्या यहां पे यूरो डॉलर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो बात का बात है। मींस एज ए ट्रेडर सेल ऑप्टिक्स में कंटिन्यू जब तक हायर लो फॉर्मेशंस नहीं आते हैं। यूरो आईएनआर पे भी ये जो क्रिटिकल सपोर्ट जोन था उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी इस जोन को अगर ब्रेक डाउन कर लेते हैं इन सच ए केस, एक और भी ज्यादा रूम डीप डाउन हो सकता है टुवर्ड्स 86.50। सो यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स के लिए हमें तैयार रहना है जब तक ये हायर लो फॉर्मेशंस नहीं बनाते हैं एंड ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं। डॉलर येन बहुत ही डेप्रिशिएट हो रहा है, अभी आपका 148.90, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए ढूंढ रहे थे लेकिन सेलिंग बाबा आया ही नहीं, रेदर ऊपर ही ऊपर जा रहे। सो अभी हमें जस्ट बीओजे का मीन्स इनिशिएटिव समय मीन्स फॉलो करना है। येन आईएनआर बाइंग के लिए लेवल ढूंढते जो कन्फर्मेशन आया ही नहीं, नीचे आ चुका है 0.5578। यहाँ पर भी अभी आपका सेल ऑप्टिक्स फिर भी बरकरार है, लेकिन हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। ये
148 से 150 के बीच में, जो 148 का ऑलरेडी तोड़ चुका है, सो दैट मींस दैट इज 149 से 151 एक क्रूशियल मींस इंटरवेंशन लेवल हो सकता है बीओजे के लिए। अभी आते हैं आपका डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी अभी ये जो आपका 19 सितंबर का लो एंड 21 सितंबर का है इसके बीच में फंसा हुआ है। आइदर साइड ब्रेकआउट में मेक द करेंसी मूव फर्स्ट, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो देन इट मे टेस्ट 1.3650 की तरफ, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है देन इन सच ए केस इट मे टेस्ट 1.3275 एंड 1.3175 की तरफ। कौन सा डायरेक्शन में ब्रेक आउट होता है वो हमें देखना पड़ेगा। ऑसी डॉलर में इस रेंज के अंदर में बैठे हुए तो बैठने देते हैं, कंसोलिडेशन करने देते हैं, बट रेगुलरली हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये करेंसी कौन सा डायरेक्शन पे ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है। सीएनएच काफी स्ट्रॉन्ग हो, मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग, डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है अगेंस्ट द सीएनएच एट 7.310। हालांकि जैसा करेंसी मीन्स चाइनीज इकोनॉमी है उस हिसाब से इसमें और भी ज्यादा डेप्रिशिएट करना था, लेकिन पीपीओसी हाई हैंडेडली इसको होल्ड कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 91.62, यहाँ पे आपका अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। अभी देखने वाला बात है एक ये लेवल आपका 90.75 से 91.00, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाता है इन सच ए केस 19 सितंबर के हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी 4.558, क्या ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, जितना भी आपका 4.36 का रेस्पेक्ट किया उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया 4.558, सो यहाँ पे और भी अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस आरएसआई के टर्म्स में यहाँ पे आपका जो मंथली वीकली एंड डेली ऑलरेडी पॉजिटिव था, सिर्फ हमें ये एक्सपेक्टेशन था कि शायद फेड एफओएमसी रेट डिसीजंस के टाइम पे कुछ बोल दे कि एनाफ इज एनाफ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उल्टा लंबे समय के लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने का मीन्स एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। तो दैट बीइंग द केस जब तक यहाँ पे प्राइस कंफर्मेशंस नहीं आता है तो नीचे आने का सवाल ही नहीं है। अभी यहाँ पे आपका यूएस 2-ईयर ट्रेजरी 5.142, ये इतना हाई नहीं गया जितना 10-ईयर ट्रेजरी में अप मूव देखा गया, एंड दैट बीइंग द केस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 45 एंड 15 70 पॉइंट्स का ना, 45 50 60 60 बेसिस पॉइंट्स का एक डिफरेंस है यूएस 2-ईयर एंड 10-ईयर के बीच में, ये डिफरेंस धीरे धीरे नैरो हो रहा है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इन ए नटशेल डॉलर स्ट्रेंथ है, जीबीपी वीक, यूरो वीक, डॉलर येन 150 लेवल को दोबारा टेस्ट करने का प्रयास कर रहा है, हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है, अच्छे तरह से प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। Those who have not subscribed to my channel, request all to subscribe. Thank you and bye bye.